जबलपुर की बरगी विधानसभा के जनपद शहपुरा और जनपद जबलपुर में आने वाले सैकड़ों गांव के ग्रामीण पीने के पानी के लिए कई वर्षों से जंग लड़ रहे हैं। बरगी विधानसभा के चौरा पोंडी, नवीन देवरी, दुर्गा नगर, तिनहेटा सहित ऐसे सैकड़ों गांव हैं जहां पर ग्रामीण कुएं का गंदा कीचड़ भरा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। इतना ही नहीं, 30 से 35 साल पहले बने बरगी बांध के विस्थापित दुर्गा नगर में रहने वाले 3 जिलों के ग्रामीणों को इतने साल बीत जाने के बाद भी पानी सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमने दुर्गा नगर का जायजा लिया तो जो तस्वीरें कैमरे में कैद हुई वो चौंकाने वाली थी। ग्रामीण गांव के बाहर बने देवालय पर भजन कीर्तन करते नजर आ रहे थे। जब हमने भरी दोपहरी में भजन कीर्तन करने की वजह जानी तब उनका दर्द छलक उठा और सभी ने एक सुर में अपना दर्द बयां किया और कहा कि हम भगवान के साथ स्थानीय जिला प्रशासन को जगाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ताकि हम विस्थापितों को पीने के पानी सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिल सके। मूलभूत सुविधाएं वो आज भी हमको नहीं मिल पाई, इस वजह से हम आज भीषण गर्मी के कारण आज हम लोग पानी बूंद बूंद की तरह से रहे। और हम लोग मान लीजिए वहाँ से हमको विस्थापित करने के बाद में देश विदेशों में जो हमारे नर्मदा क्षेत्र का जल जा रहा है आज हम बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि शासन हमें हर योजना से लाभ दिलाया जाए और हमारे ग्राम को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाए। ग्राम तिनहेटा पहुंची हमारी टीम को बाहर से सुंदर दिख रहे साफ सुथरे कुएं पर गांव के कुछ ग्रामीण पानी भरते और नहाते हुए नजर आए, परंतु कुआं बाहर से जितना साफ सुथरा नजर आ रहा था उसका पानी अंदर से उतना ही गंदा और कीचड़ से भरा हुआ था। और जब कुएं पर मौजूद स्थानीय ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने जो बताया उसे सुनकर आप भी बिना चौंके न रह पाएंगे। ग्राम तिनहेटा में रहने वाले 65 से 70 घरों के आदिवासी परिवार निजी बोर से पानी खरीद कर पीने के लिए मजबूर हैं। हमारे गांव में कोई पानी का व्यवस्था नहीं है, हम लोग कुआं में नहाते हैं और पशु पक्षियों को यूज करते हैं, दूसरे के यहां से किराया से पानी लेते हैं। हमारे यहां कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार हमारी थोड़ी बहुत मदद करे। क्या करते हैं वो? ब्रजलाल के बोर से खरीदते हैं, एक ही टाइम पानी देता है। अच्छा, कितना पैसा देते हैं? महीने में 50 रुपये देते हैं। सरकार से क्या अनुरोध करते हैं? हम तो जी सोचते हैं कि भैया वो क्या बोलते, सरकार से ही बोलते हैं कि हम लोग के गाँव पे पानी ले के आए। अच्छा, जो ये बताएं जी, हम लोगों को बरगी डैम जो रानी अवंती बाई सागर परियोजना के तहत जो बांध बना गया है उसमें हम लोग सिवनी, मंडला, जबलपुर आदि ग्रामों से विस्थापित कर दिया गया था। और ये भी कहा गया था कि आप लोगों के यहाँ से आपकी जहाँ भी बसेंगे वो आपकी आर्थिक पुनर्वास किया जाएगा और हर चीज़ की सुविधा दी जाएगी, स्कूल, आंगनबाड़ी, रोड आदि से। हमको आज दिन तक रोड, स्कूल यानी शासन की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो आज भी हमको नहीं मिल पाई, इस वजह से हम आज भीषण गर्मी के कारण आज हम लोग पानी बूंद बूंद की तरह से रहे। और हम लोग मान लीजिए वहाँ से हमको विस्थापित करने के बाद में देश विदेशों में जो हमारे नर्मदा क्षेत्र का जल जा रहा है आज हम बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि शासन हमें हर योजना से लाभ दिलाया जाए और हमारे ग्राम को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाए ताकि जो शासन की जो ये हेल्पलाइन है वो हमें प्राप्त नहीं हो रही है। जैसे अभी बरसात के समय जो कीचड़ पे अगर हमारी आम जनता पे संकट पड़ता है तो हम हेल्पलाइन लगाते हैं तो हेल्पलाइन मेन रोड तक आती है और यहाँ से जाने में हमको 3-4 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। इस वजह से हमारे अभी 15-16 में ऐसे बालक जो 8वीं 5वीं लेकर पढ़े और वो ऐसे सर्प काटने से कई आत्म बीमारी से आज मौत के घाट उतरी है क्योंकि साधन ना होने के कारण। हम शासन से आग्रह करते हैं कि हमारी इन समस्त समस्या को देखते हुए हमारे शीघ्र इसकी सुनवाई करें। ठीक है, मैं रघुवीर सिंह कुकड़ी। पानी का समस्या बहुत गड़बड़ है सर जी यहाँ पे, काहे की समस्या पानी ऐसे बहुत दूर से पानी लाड़ के देते हैं यहाँ पे,
कुआं वुआ भी बोल जाते हैं इस टाइम में गर्मी में। लाइट की समस्या भी कुल गड़बड़ है, काहे की लाइट बहुत कटती है पहाड़ में यहाँ पे। आप ये गांव वालों को किस प्रकार पानी देते हैं? इस प्रकार देते हैं कि गांव वाले बोलते हैं कि हम पानी चाहिए भैया पीने के लिए, पानी नहीं यहाँ पे, तो हम गांव के भी बात मानते हैं कि अब देना पड़ता है जनता सबकी, अपनों है जनता तो अब ऐसे देना पड़ता है। कितना पैसा लेते हैं आप? 100 रुपये लेते हैं महीना में। कितने घर होंगे? 60-70 घर करीब जी। जिसपे कि तीनों गांव में पानी की बहुत प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। अब मेरे यहाँ तनहटा ग्राम जो मेरा स्वयं का गांव है, वहाँ पे सर मैं अभी प्राइवेट बोर से जो है उनके यहाँ से लेके आ रहा हूँ पानी, जो जिसका सहयोग मुझे गांव वालों से मिल रहा है और कुछ सहयोग मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। ऐसे दिवरी नवीन भी एक गांव जिसमें सर एक ही कूप है, वहाँ पे एक कुआँ है, शासकीय कुआँ है, उससे कम से कम नहीं तो 500-600 परिवार उसमें पानी भरते हैं। तो पानी की तो विकराल समस्या है सर इस क्षेत्र में, पूरे ग्रामीण क्षेत्र चरगुआ क्षेत्र में बहुत विकराल समस्या है पानी का। अच्छा, ये प्रदेश सरकार की ये कौन सी योजना है जो यहाँ पर लाभ नहीं मिल रहा? सर ये जल जीवन मिशन कह रहे हैं कि सेक्शन हो चुका है, पर अभी तक तो इसका हमें कोई अंदाजा नहीं लग पा रहा है और कुछ किस किस गांव में है, किस किस पंचायत में इसकी जानकारी। मूलभूत सुविधा ही अगर लोगों को सरकार मुहैया न करा पाए तो सरकार के खिलाफ गुस्सा भी जनता का जमकर निकलता है। बरगी विधानसभा का यही हाल है, जहाँ पानी की समस्या आज भी है, कल भी थी और भविष्य में शायद इन लोगों को इसी तरह संकट झेलना पड़ेगा। बहरहाल ये तस्वीरें हमने दिखा दी हैं, अब देखते हैं इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या इनका संकट दूर होता है। जबलपुर से विवेक तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।